फिलहाल खटखट टोल पर हाँ, और खटखट टोल पर आप लोगों ने दिखाऊंगा भाई, जो किसानों का टेंट था वो गट गया है। आप लोग मेरे पीछे देख रहे हो भाई, जो दो लाइन थी दो लाइनों पर टेंट गट गया है, और जो तीन चार तकत ले आए हैं और साथ में जो उनका म्यूजिक सिस्टम है वो भी ले आए हैं, क्योंकि किसानों ने पहले ही ऐलान कर दिया था 5 से 6 दिन पहले यहाँ मीटिंग करके कि जो किसानों को मुआवजा मिलना था, फसल ख़राब हो गई थी उसका मुआवजा न मिलने के कारण इन्होंने पहले ही बोल दिया था भाई यहाँ पर हम लोग एकत्रित होंगे और पूरा टेंट गड़ाएगा, धरना चलेगा जब तक इनको मुआवजा ना मिलेगा। तो देखो भाई, किसान है जो अभी सुबह का समय है पहुँचना स्टार्ट हो गया, आसपास के किसान लगभग 105 गामा के किसान उरा पहुँचेंगे, और पहले ही बोल दिया था भाई किसान जो टोल है उसको फ्री कराया जाओगा और यहाँ पर धरना लगातार चलेगा जब तक किसानों को मुआवजा नहीं मिलेगा। तो देखो भाई, यू टेंट है जो दो लाइनों पर गट गया है, ये तकत हैं बिल्कुल नए बनवाए हैं भाई, और उस साइड है जो या चटाई बिछ गई है किसानों को बैठने के लिए। तो जो धरना है लगातार यहाँ पूरा चलेगा जब तक किसानों को मुआवजा नहीं मिलता। और देखिए, किसान है आसपास के एरिया तक लगातार पहुँचने लग रहे हैं, जो 105 गांव इस टोल के ऊपर लागे हैं, और जो पीछे किसान आंदोलन चला था लगभग 13 महीने, पूरा भाई यू हरियाणा का गढ़ था जो खटखट टोल था, पूरा लगभग 13 महीने किसान बैठे रहे थे हज़ारों की संख्या में हर रोज़ पहुँचा करते और लगातार धरना चला था। तो क्या दोबारा से फिर से ये धरना लंबा चलेगा ईश्वर जी, दोबारा से फिर किसानों ने टेंट काट दिया हुआ है? देखिए, ये जिन जिला के साथ में सरकार बड़ा भेदभाव कर रही है, एक बाल समंद और एक खेड़ी जालब तहसील और एक ये जीन जला, इसके साथ में सरकार ने बड़ी सोची समझी चाल के साथ एक भेदभाव करने का काम किया है। और जब तक चाहे साड़ी की बात हो चाहे सामने की बात हो मोटी भाषा में, तो किसान को अन्नदाता भगवान का दर्जा है, इसको मुआवजा ना मिलेगा तब तक किसान अपने हक के लिए लड़ता रहेगा, लड़ता आया है और लड़ेंगे और जीतेंगे। देखो तैयारी किसी तैयारी कर रहे हैं, पीछे तो अपन देखा 13 महीने बैठे रहे थे। देखिए, वो एक देश हित का आंदोलन था, ये एक देश हित का तो नहीं है लेकिन जींद जिले का हरियाणा प्रदेश का एक आंदोलन है, धरना है, और जब तक ये मुआवजा नहीं मिलेगा तब तक किसान तन मन धन से इस टोल प्लाजा पर, इसके साथ साथ हमारी सभी संघर्ष समितियों से, सभी आंदोलनकारी भाइयों से बातचीत हुई है, तो और भी आगे इसको बढ़ाने का काम करेंगे, तेज़ करने का काम करेंगे, किसान ने जगाने का काम करेंगे। देखो, अगर संख्या को लेकर बातचीत करा किसानों की, जो संख्या 105 गांव में जुड़े हुए इस टोल तक, तो कितनी संख्या आज पहुँच गए? आज करीब करीब ये मान के चलो, आज तो पहला दिन है, 1500 आदमी मैंने कहा सुन, 1500 फिर लोगों में प्रचार करेंगे, लोगों को मैं संदेश देंगे, लोगों को पास में जाएंगे, एक बड़ा आंदोलन ये मान के चलो आने वाले दिनों में बड़ा आंदोलन होगा ये। अगर किसान आंदोलन में भी रहा है सबसे ज़्यादा संख्या रही थी हरियाणा पूरे, हाँ ये टोल प्लाजा हरियाणा में नहीं, एक सब भारत में कहिए सबसे बड़ा धरना था ये, और सबसे बड़ा इस पर हाजरी थी किसान और मजदूर की, 36 बरादरी की। अच्छा, हाँ जी, चलो ठीक है जी, ठीक है, धन्यवाद। चलो भाई, इस वीडियो ने ज़्यादा से ज़्यादा